नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पर पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी एवं हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। किसी के अंडर में आपको काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगा, वहीं अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। और वहीं देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है और एकदम स्ट्रेट है, तो फैमिली की तरफ थोड़ा आपका झुकाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फैमिली को लेकर के आप अपने लाइफ में सेक्रीफाइसेस भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, तो इस कारण से ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल में होने वाले गैप को इंडिकेट करता है। यानी कहीं ना कहीं आप अपनी बात को आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं। अपोजिट जेंडर के प्रति शर्मिलापन भी महसूस होता है और स्ट्रेंजर से थोड़ा बात करने में हिचकिचाहट घबराहट सी होती है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल अफेक्टेड होता है। लेकिन देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ तकरीबन सेम है, तो ये एक प्रकार के रिसर्चिंग वर्क को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं रिसर्च करते रहना, यानी अपने आप को बिजी रखे रहना, ये आपके नेचर में रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, रिस्क टेकिंग नेचर भी आपका रहेगा, यानी हिम्मती स्वभाव भी है और जवाबदारी भी लेने में आप पीछे नहीं हटते हैं। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है भागदौड़ जीवन में ज़्यादा रहती है। वहीं देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो बहुत ही मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है। कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम को अगर साइड कर दिया जाए तो आपके जिससे भी बातचीत रहेगी या थोड़ा बहुत भी जान पहचान रहेगा, उससे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ही मधुर रहने वाला है। हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ आप अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। तो इस कारण से फिंगर के बीच में एक प्रकार से गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट नेचर को भी व्यक्त करता है और किसी के अंडर में कंफर्टेबल ना होने की योगों को सबसे पहले बताते हुए अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण आपका कम रह सकता है। अनदर पिक्स में मैंने देखा कि आपका जो थंब का साइज़ है वो स्ट्रांग है, तो सशक्त यहाँ पर आपका व्यक्तित्व है जो लोगों के सामने निखर के आने वाला रहेगा। और एक प्रकार से फ्लेक्सिबल मेंटेलिटी भी है कि समय परिस्थिति के अनुसार लोगों को माफ़ भी कर देते हैं और अपने डिसीजन या प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी लेकर के आ जाते हैं। एक प्रकार से यव का साइन भी यहाँ पर बन रहा था प्रॉपरली, तो उस कारण से ये गुड सिक्स्थ सेंस को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ धार्मिकता के योगों को व्यक्त करता है। जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहने वाला है। और बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपका स्क्वेरिश हैंड है, तो इस कारण से ये भी हार्ड वर्किंग नेचर को ही बताता है, जिसके कारण खाली बैठना बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं रहेगा और किसी भी लेवल की आप अपने लाइफ में मेहनत भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी काम करने के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आपके अंदर बहुत अच्छा रहता है। प्लानिंग भी कुल मिलाकर के ठीक करते हैं और यहाँ पर एक्शन जो है जोन थोड़ा सा कम है, तो बहुत मरतबा ये होता है कि बिना प्लानिंग के ही काम कर लेते हैं, नहीं तो प्लानिंग हुई लेकिन काम नहीं हुआ इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, तो गुरु पर आपकी प्रोग्रेस लाइन पहुँची हुई है। जब ये प्रोग्रेस लाइन जाती है तो ये एक प्रकार के एम्बिशियस नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है, तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे आप और हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते रहना या बड़ी चीज़ों को हासिल करना, यही आपका उद्देश्य जीवन में रहेगा। थोड़ा अलग हटके पसंद आपकी रहने वाली है और जीवन में अपने मेहनत के बदौलत बहुत अच्छी आप प्रोग्रेस भी करने वाले रहेंगे। इंडिपेंडेंट वर्क करना भी ज़्यादा पसंद रहेगा। दूसरा, आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन बहुत अच्छी मौजूद है, यानी इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने खुद के कलम से खुद का भाग्य लिखने वाला होता है। तो जितना अच्छा आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा उन्नति भी करते चले जाएंगे। यहाँ की आड़ी रेखा धर्म कर्म के कार्यों के प्रति रुचि को व्यक्त करती है और आगे चल करके आप दान पुण्य का भी काम करेंगे। और ग्रुप का क्षेत्र अच्छा उभर हुआ है, तो इस कारण से आपके अंदर आत्मसम्मान भी अपने लिए अच्छा रहेगा और समाज से भी आपको इज्जत प्रतिष्ठा अच्छा मिलेगा। शनि का क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, तो ये कामों में थोड़ी ढीलेपन को और थोड़ा सा एक प्रकार से देरी को व्यक्त करता है। और भाग्य रेखा की यहाँ बात करें तो भाग्य रेखा कंटिन्यूअस यहाँ से निकल के शनि के क्षेत्र तक पहुँची है, तो भाग्य में कोई भी ऐसा अवरोधक नहीं है, तो जीवन में धन भी कंटिन्यूअस आपकी लाइफ में बना रहेगा, हमेशा आते भी रहेगा और भाग्य का सहयोग भी समय समय पर आपको मिलते रहेगा। खासकर यहाँ जो है 36 के एज के बाद से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिल रही है, क्योंकि डबल लाइन यहाँ पर चल रही है। थोड़े से यहाँ पर फोटोग्राफ हल्का सा धुंधला पड़ सकता है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है साफ तौर पे कि दो लाइन है जो कि डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को बताता है। सूर्य के क्षेत्र की बात करते हैं, तो सूर्य का क्षेत्र उभरा हुआ है, तो आत्मविश्वास इस कारण से आपके अंदर अच्छा रहेगा और
ये एक प्रकार से पिछली पुण्य रेखा के विषय में बताता है। इसे पुण्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले जन्मों के किए गए कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है भाग्य के सहयोग से अच्छी खासी अचानक से मिल जाने वाली रहेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो एक से अत्यधिक सूर्य रेखा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को भी इंडिकेट करता है। बेसिकली कि होता यह है कि आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम कहीं ना कहीं करते हैं, तो उस कारण से थोड़ी फोकस में कमी आ जाती है या समय में थोड़ी सी पाबंदी हो जाती है, तो इसीलिए ये ट्रबल आता है। और एक सूर्य रेखा देखने को मिल रही है कि थोड़ा काट भी रहा है, तो इस कारण से कामों का प्रॉपर नतीजा नहीं मिल पाना, या फिर थोड़ा सा जो आप काम करते हैं उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो उस कारण से जो सफलता है उसमें थोड़ी सी देरी को भी यह यहाँ पर बताता है। बाकी देखा जाए तो मरकरी माउंट यानी बुध पर्वत आपका अच्छा उभरा हुआ है, तो इस कारण से बोलचाल की कला ठीक रहेगी। किसी से कोई भी बात अपने मन में, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, नहीं छुपाएंगे। तो जो फिंगर का जो दोष थे वो थोड़े तो असर करेंगे, लेकिन मरकरी माउंट ठीक है तो जिनसे भी बोलचाल रहेगी उस उनसे अच्छे मधुर संबंध रहेंगे, क्योंकि मधुरभाषी किस्म की पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी देखने को मिल रही है। किसी का तारीफ करने से कभी भी नहीं चूकेंगे आप। और हृदय रेखा के अंत में गोपुच्छ की आकृति के कारण ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को, हंसमुख हास्य कवि पर्सनैलिटी को, हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखे रहना इस प्रकार की पर्सनैलिटी को बताता है। आपके हृदय रेखा में एक कमी यही है कि नीचे की ओर बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, तो ये इमोशनल सेटबैक की निशानी होती है, जिसके कारण अपनों से थोड़ा धोखा मिलने के योग, दूरी बनने के योग, मन मुटाव के योग भी, या फिर पैसा किसी को उधार देना तो नहीं मिल पाना, यानी थोड़ा सा मन से दुखी चोट लगने के योगों को बताता है। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा इस प्रकार के निकल के शनि पर जो है मेनली रुकी हुई है, तो धन पे आपका रुझान ध्यान ज़्यादा रहने वाला अपने जीवन में रहेगा। खुद को लेकर के आप ज़्यादा ध्यान देने वाले रहेंगे, और एक प्रकार से हल्की सी शाखा, सहयोगी शाखा यहाँ पर गुरु से भी कनेक्टेड होगी, तो इस प्रकार से दयालु प्रवृत्ति आपके अंदर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज बात करते हैं आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन यहाँ पर प्रॉपरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, तो ये एक प्रकार के जिद्दीपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण एक प्रकार का अड़ियल किस्म का नेचर भी आ जाता है कि अपने बात पर जब आप अड़ जाएंगे तो कोई भी आपको उससे हिला नहीं सकता है। तो एक तो इंडिपेंडेंट नेचर भी रहेगा, जिसके कारण ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे, और थोड़ा अपनी जिद की सबसे पहले पूरी करने वाले आप रहेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड भी बन रहा है, नीचे की ओर भी रेखाएं जा रही हैं, तो तकरीबन आपकी लाइफ का 28 से लेकर के 35 का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें थोड़े से आप टेंस्ड, यहाँ पर चिंतित ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ओवरऑल माइंड लाइन देखी जाए तो ये थोड़ी सी डिक्लाइन भी हो रही है, तो थोड़ा इमेजिनेशन स्किल आपके जीवन में, काल्पनिकता ज़्यादा बढ़ने वाली रहेगी। और ओवरऑल माइंड लाइन में के अंत में बायफोर्क हो गया है, तो ये क्लेवर मेंटेलिटी को, मतलब चालाक बुद्धिमान होने के योगों को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप अपना फ़ायदा हर परिस्थिति में निकाल लेने वाले रहेंगे। सीधे रूप से बातचीत करना, बोलचाल रखना और लॉजिकल पर्सनैलिटी रखना, ये आपके जो है मेंटेलिटी में देखने को मिल रहा है। तो माइंड लाइन अच्छी है तो ग्रोथ लाइफ में इस कारण से अच्छी देखने को मिलती है। और लाइफ लाइन पर आपके आते हैं तो लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से निकलते हुए शुक्र के अंत में थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इस कारण से परिवार की तरफ रुझान ध्यान ज़्यादा रहेगा। और उम्र की चर्चा करें तो 80 क्रॉस यहाँ पर इजीली प्रेडिक्ट हो रहा है। प्रोग्रेस जो है आपकी लाइफ से, लाइफ में तकरीबन 22 के एज से स्टार्ट हो गई थी, और ये आगे चल करके बीच में भी आपने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया है। और जो और भाग्य रेखा मजबूत हो रही है यहाँ पर, वो तकरीबन 45 के एज में भी बहुत बिग अपॉर्चुनिटी आपको आपकी लाइफ में लगने वाली रहेगी। और यहाँ से इधर इस प्रकार से निकलने वाली रेखा व्यापार की रेखा है, तो आगे चल के व्यापार से भी आपको अत्यंत लाभ मिलने वाला है। सहयोगी रेखा जीवन के साथ में चल रही है, तो दूसरों का सहयोग समय समय पर आपको मिलते रहेगा, तो उस कारण जो भी दुख दर्द परेशानी है उससे आपको एक प्रकार से रिलीफ मिल पाएगी। और अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों अच्छे खासे उभरे हुए भी हैं, तो शारीरिक रूप से अच्छे बलवान यहाँ देखने को मिल रहे हैं, मानसिक स्थिति से भी बलवान यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। कोई भी ऐसी कमी इसमें नहीं है, बस यहाँ पर यह है कि मंगल के क्षेत्र से रेखा आपके माइंड लाइन को जुड़ रही है, तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी आपको ज़्यादा दे सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा हो सकती है, प्लानिंग्स आप ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसी ट्रबल नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अच्छा उभरा हुआ है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, खुद के होने के योग आपके देखने को मिल रहे हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा का आनंद आप अपने जीवन में भरपूर तरीके से उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ शुक्र की जो आड़ी रेखा है, जो आपकी लाइफ लाइन से भी टच हो रही है, ये फैमिली से रिलेटेड थोड़े से
टेंशन या प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में आपको उतार चढ़ाव रह सकता है या फिर थोड़े चिंतित आप उसको लेकर के ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब रेखा निकल के लाइफ लाइन को टच करती है तो खासकर अपने खुद के पार्टनर के तरफ से या फिर फैमिली के किसी मेंबर के तरफ से ट्रबल थोड़ा ज़्यादा आता है। जैसे किसी का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, कुछ मन मुटाव हो गया, या कोई कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिससे ट्रबल आपको हो रही, तो वैसे योग बनते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी दिक्कत यहाँ नहीं है और केतु माउंट यहाँ पर नॉर्मल है आपका। भाग्य रेखा का प्रारंभ भी यहीं से हुआ है, तो धर्म के कार्यों से जीवन में आपको उन्नति भी अच्छी मिलेगी और पीसफुल भी आप बने रहेंगे, यानी शांतिपूर्वक जीवन भी व्यतीत अच्छे से कर पाएंगे। जो यहाँ पर आपका चंद्र का क्षेत्र है ये भी अच्छा उभरा हुआ है, तो मन से कहीं ना कहीं खुश रहने वाले आप इंसान यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो आप अपना कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ढूंढ लेंगे, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो रेखा निकली है इसे विया लाइसा विया कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है, तो किसी चीज़ का लत भी आपको रहने के योग यहाँ पर हैं। और एक प्रकार से स्क्वायर टाइप फॉर्मेशन भी बन रहा है, तो जन्म स्थान से दूर खुद के प्रॉपर्टी बनने के योग यहाँ पर आपके दिख रहे हैं। इसके अलावा चंद्र की भी भाग्य रेखा है, तो शादी के बाद जीवन में उन्नति आपकी अच्छी हुई होगी, और यहाँ पर एक प्रकार से ट्रायंगल भी एक छोटा सा बना हुआ है और रेको ट्रायंगल बना हुआ है, तो धन जीवन में आपके पास आकस्मिक रूप से आएगा, यानी अचानक से आने वाला रहेगा, और धन थोड़ा सा गुप्त रूप से भी आपके जीवन में रहने वाला है। अदरवाइज देखा जाए तो ये व्यापार रेखा है, जो किसी न किसी प्रकार से व्यापार से होने वाले अच्छे लाभ को व्यक्त करती है, और जैसे मनी ट्रायंगल हाथ है बन रहा है, तो जीवन में धन भी अच्छा रहेगा, उस धन का सदुपयोग भी कर पाएंगे और वो धन बढ़ता भी रहेगा। यहाँ पर अगर देखें और बारीकी से, तो एक प्रकार से आपका स्क्वायर का फॉर्मेशन हल्का सा बहुत माइनर से यहाँ क्रिएट हो रहा है। जब ये प्रोमिनेंट तरीके से पूरा हो जाएगा तो ये बताता है कि जीवन में जो है आपकी खुद की प्रॉपर्टी फिर बहुत अच्छी खासी संख्या में हो जाने वाली रहेगी। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।